नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक नारा कलाम मंत्र लिख रहे हैं जो कि शरीर बांधने का मंत्र है। नारा कलाम और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे कि नारकाटा बाण शत्रु को ख़त्म करने का होता है, और जो कि किसी को भूत प्रेत जैन जैननाथ पकड़ लेता है उसको तंत्र मंत्र बाण वगैरह लगता है तो उसको काटने के लिए भी नारा कलाम का मंत्र होता है। ठीक है, नारा कलाम जो है एक इस्लामिक जो कि मंत्र है, साबर मंत्र ही है, लेकिन इस जो जो है जो मुस्लिम उस्ताद वगैरह रहते हैं उनके पास ये ज़्यादा रहता है। ठीक है, और बहुत ही पावरफुल डेंजरस रहता है, इसका पावर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, नारा कलाम का जो कि जो भूत प्रेत जिन जिन्नात को पकड़ने हटाने का जो मंत्र है वो बहुत सारा बड़ा बड़ा भी होता है और छोटा छोटा भी रहता है। इनको क्या है, पढ़ने से ज़्यादा अगर बारिश होता है तो पढ़ने से बारिश भी रुक जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इस नारा कलाम से काम ले सकते हैं, और लेकिन ये जो आज का जो है नारा कलाम ये जो है शरीर बांधने के लिए। ठीक है, जब तक ये नारा कलाम से आप शरीर बांध के रहेंगे कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ना ही आपको कोई बाण मार पाएगा, बाण आएगा लेकिन आपको लगेगा नहीं, वो वापस अपने आप चला जाएगा। ठीक है, आपका शरीर पर नहीं लगेगा, कोई तंत्र मंत्र कर नहीं पाएगा, आप कोई साधना सिद्धि वगैरह करने शमशान में जाते हो इधर उधर, तो आप हमेशा इस नारा कलाम के शरीर बांध के रखने से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इतना आसानी से कोई इस बंध को जो है बंधन को काट भी नहीं सकता, इतना पावरफुल रहता है नारा कलाम। ठीक है, तो मंत्र किस तरह से आपको मैं बता देता हूँ। मंत्र है अल्लाह नागलो तल्ला मोहम्मद नागलो धोंद, यही नारा कलाम दिया मोर शरीर करलुम बंदो, जल बांधम स्थल बांधम घरेर चारि कानी बांधम, सूर्यगति लोहार जुड़ी एई बन थाकिते मोर शरीरे जे जन करिबे घाव, दुहाई नागे अल्लाहर कलाम उल्टे मृत्यु को जाओ। ठीक है, इस मंत्र का आपको 3 बार पढ़ना है और शरीर पर फूंक मार देना है। ठीक है, अगर घर को बांधना है तो आप पानी भर के छिटा भी मार सकते हैं। ठीक है, या जो आपका बकरे का जो बांधने का जो खुटी रहता है ना, जो गाँव में रहता है बकरे को जो डोरी से बांध के खुटी ज़मीन पर गाड़ते हैं, उस खुटी को आपको लेकर आना है शनि या मंगल के घर अगर बांधना हो आपको। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, इस मंत्र से उस खुटी को 4 कील बनाना है। ठीक है, एक ही खुटी लेकर आकर उसको आपको काट देना है, काट के छोटा छोटा मतलब कील बनाना है। बनाने के बाद आपको इस मंत्र से 3 बार या 7 बार आपको पढ़कर उस खुटी को आपको घर के 4 कोने में आपको लगाने से घर हमेशा बांध जाता है। ठीक है, उसमें घर में आपको कोई जादू टोना नहीं कर पाएगा, कोई ताबीज़ कबज गाड़ेगा तो उस ताबीज़ कबज का कोई असर नहीं होता है, कोई हड्डी वगैरह गाड़ेगा उसमें कोई असर नहीं होता है घर पर। ठीक है, हमेशा वो घर बंद ही रह जाएगा। आपका जो पक्का मकान है कोई ऐसा जो कि उस खुटी को नहीं गाड़ सकते आप, ठीक है, तो इसके लिए आपको उस खुटी को अभिमंत्रित कर दरवाजे पर रख सकते हैं, या 4 कोनों पर आप किसी रस्सी के माध्यम से या फिर कील की माध्यम से उसको आप रख सकते हैं, मंत्र से अभिमंत्रित कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो गाँव में अगर हो तो उसमें तो घर के चारों तरफ गाड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको घर बांध सकते हैं इससे, और शरीर बांधने के आपको 3 बार 7 बार पढ़कर शरीर पर फूंक मारने से शरीर बांध जाएगा। ठीक है, तो मंत्र समझ आया होगा, वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।